सुधरे तो सुधरे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा ही कहावत चरितार करता है धनबाद के कोयलांचल में। लगातार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार मास्क का अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूकता भी किया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जब भी आप सड़कों पर निकले तो चेहरे पर मास्क लगा के निकले। लेकिन लोगों में किसी भी तरह का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आज मास्क का अभियान के तहत आज यहाँ पर देख सकते हैं कि हीरापुर पुलिस लाइन की स्थित जो है यहाँ पे लगातार मास्क अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूकता किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोगों में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए हम सीधे चलते हैं यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात करते हैं कि सर बताया जाए, लगातार मास्क अभियान आप चला रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का जागरूकता देखने को नहीं मिल रहा है लोगों में, लोग उसी तरह लापरवाह हैं। ये सही बात है कि लगातार ये मास्क कैंपेन चल रही है फिर भी लोगों में जागरूकता देखने को कम मिल रही है। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वेव की संभावना है ये अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना से जो भयावह स्थिति बनी थी, विगत जो अनुभव है हम लोगों का, फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हैं आखिर ये थर्ड वेव अगर प्रवेश कर जाता है इंडिया में तो इसकी जो भयावह स्थिति होगी वो कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी प्रशासन बहुत सजग है, प्रशासन लगातार मास्क अप कैंपेन चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन अपील भी करती है कि जब भी भीड़ भाड़ इलाके में आप निकलें मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंस जो है वो पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि थर्ड वेव की संभावना और कोरोना से हम लोग बचे रहें। लेकर के लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है लेकिन लोगों में कहीं कहीं सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अभियान तो चल रही है लेकिन लोगों में सुधार देखने को नहीं मिला। हम सर बात करेंगे अभी कितने लोग आप अभियान के माध्यम से आप लोग लेके जा रहे हैं? अभी तक जो 16 तारीख से हम लोग का 16 अगस्त से ये अभियान चल रही है, अभी तक कम से कम सैकड़ों आदमी पकड़ा चुका है और जिनको हम लोग कोविड सेंसिटाइजेशन कैंप गोविंदपुर ले जा रहे हैं, वहाँ कोरोना कोविड टेस्ट हो रहा है, कोविड टेस्ट के बाद उनको बंड भरवा के फिर हम लोग छोड़ रहे हैं, एक चेतावनी के साथ छोड़ रहे हैं कि भविष्य में पकड़े जाने पर आप पर इससे भी कड़ी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आज कितने लोगों को आप लोग लेके जा रहे हैं? अभी तक हम लोग 12 लोगों को पकड़े हैं। बिल्कुल, सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं और आज का अभियान में 12 लोग पकड़े गए हैं, इनको कैंप में लेके जा रहे हैं और उनको जो है वहाँ पर समझाया जाएगा और इससे बॉन्ड बढ़ा के छोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का जो है वो लापरवाह ना हो, अगर लापरवाही करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो मिरन मीडिया के माध्यम से तमाम धनबादवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के राज्य सरकार और जिला प्रशासन पुलिस लगातार अभियान चला रही है, चिंतित है, इसे आपको भी सजग रहने की जरूरत है ताकि कोरोना का तीसरी लहर में जिस तरह से दूसरी लहर में जो स्थिति बनी थी वो तीसरी लहर में वो स्थिति ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस काफ़ी सतर्क है और लोगों को लगातार जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी जागरूक हों और भी सड़कों पर निकलें तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। कैमरामैन विक्रम के साथ राजकुमार, मेरे मीडिया न्यूज़, धन्यवाद।